ये जो MATLAB स्क्रीन का दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है सेकंड वन, थोड़ी सी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने स्क्रीन के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ से देखी थी होम के अंदर। अभी हम देखेंगे प्लाट्स में कि इसमें कौन कौन से आइकन मौजूद होते हैं। आप देख रहे हैं प्लाट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास है नो वेरिएबल सेलेक्टेड, ये प्लाट देख रहे हैं प्लाट एज मल्टीपल प्लाट है। ये प्लाट कमांड जो है अभी एक्टिवेट नहीं है, इसलिए कि आपको यहाँ पे एक कलर में नज़र नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी कोई नीचे प्लाट नहीं है। जब हम प्लाट करेंगे तो उसमें सपोज़ कि हम अपने प्लाट को अगर चेंजिंग देना चाहते हैं मेन शेप के रिस्पेक्ट से, जैसे हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें प्लाटिंग के लिए हम डिफरेंट कमांड्स का यूज़ करते हैं जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलता है। सबसे पहले देखें, जैसे मैंने यहाँ भी रखा है माउस को, तो इस पॉइंटर से देखें तो आपको सबसे पहले प्लाट दिखाई दे रहा है, और ये जो है ना 2D लाइन ग्राफ यूजिंग लीनियर एक्सिस, तो ये 2D प्लाट है और बिल्कुल सिंपल हम लिखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो नीचे लिखा हुआ प्लाट एक्स वाई, और फिर उसके बाद है प्लाट एक्स वाई लीन स्पेस है प्लाट एक्स वन वाई वन अप टू एक्स एन एक्स वाई एन। तो आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि ये जो है ये प्लाट जो है ये प्लाट कमांड है और ये यूज़ होती है 2D के लिए, ठीक है। जैसे उसने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे मैट्रिक्स वेक्टर्स, या अभी अगली को देखें और इसमें आप फर्क करने की कोशिश करें। अब मल्टी सीरीज़ का अगर प्लाट करें तो आपकी जो बिल्कुल सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे देखें, इसको वो डिफ़ाइन कर रहा है दिस प्लाट बी अनेबल फॉर द फॉलोइंग सेक्शन मल्टीपल वैक्टर्स द मल्टीपल फंक्शन क्रिएट 2D प्लाट्स ऑफ द डेटा इन वाई वेरीज द ट्रांसबोंडिंग वैल्यूज इन एक्स। तो ये जो है ये प्लाट है मल्टी सीरीज़ के लिए, बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने पीछे देखा है, इसको इस प्लाट को देखें तो ये लीनियर एक्सिस के लिए है। अब यहाँ पे देखें इसको तीसरे को, तो प्लाट एज मल्टीपल सीरीज वर्सेस फर्स्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे क्योंकि माउस पॉइंटर को मैं नीचे नहीं ला सकता, ये गैप हो जाता है। द प्लाट्स द सेकेंड एंड लेटर सीरीज अगेंस्ट द फर्स्ट सीरीज टू द सेम प्लाट। इसमें ये है कि आप देख रहे हैं पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ, इस तरीके से हम मुख्तलिफ प्लाट्स का जो रिलेशन बनाते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है जैसे कि ये है बार, बार प्लाट में इसकी शेप ही बार टाइप की होती है, और इसके साथ हम प्लाट करने के लिए बार का वर्ड यूज़ करते हैं BAR लिखते हैं। आप देख रहे हैं एरिया के लिए अगर हम इसको प्लाट करें तो इसके लिए हम वर्ड एरिया का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पाई, पाई मीन हम ये सर्कुलर टाइप ग्राफ्स जो होते हैं आप देखते हैं इसमें पाई का यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम प्लाट्स के अंदर हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। कंटूर जो होते हैं उसमें हम कंटूर का यूज़ करते हैं। सरफेस प्लाट इसको कहा जाता है, इसमें लफ्ज़ के साथ सरफेस लिखा जाता है। आप नीचे इस पर नज़र रखें जहाँ पर देखें सरफेस एक्स वाई एक्स वाई जी इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है मैश, आपने MATLAB में आपको सुनने को मिलेगा मैश, तो आपको कम अज़ कम पता नहीं चाहिए कि जो मैश ग्रिड होते हैं, मैश ग्रिड मीन के छोटे जो साइज़ के स्क्वायर टाइप खाने बने होते हैं, तो आप अगर मैश ग्रीडिंग करना चाहते हैं तो हम मैश का यूज़ करते हैं। और स्कैटर है, स्कैटर के अंदर आप देख रहे हैं हम स्कैटर का यूज़ करते हैं, और स्कैटर्स में ये होता है कि आपका जो ग्राफ होता है वो पॉइंट्स होते हैं, जस्ट लाइन नहीं दिखाई देती, जस्ट नुक्ते होते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं प्लाट, प्लाट आगे वाई वाई है, तो यहाँ भी ये है ग्राफ विद वाई टिक्स लेबल ऑन द लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें आप फर्क कैसे करेंगे, अब देखें प्लाट वाई वाई हमने इसमें कमांड दी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, देखें एक्स वन का रिलेशन एक्स वाई वन के साथ, एक्स टू का रिलेशन वाई टू के, तो हमने यहाँ प्लाट वाई वाई का यूज़ किया है। वही जब दोस्तों इस स्लाइड के अंदर जो प्लाट कमांड की स्लाइड है, जब हम प्लाट के ऊपर आएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट कमांड के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे ऐप्स के साथ। विश यू बेस्ट ऑफ लक।